हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भोजन और पोषण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका नेट का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, चाहे DT+B का पेपर हो या TGT का पेपर हो, सब में वो पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन आंसर को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगी, उसमें मैं सारे इसके पार्ट डाल दूंगी। आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका नेट में पूछा गया था दिसंबर 2019 में। ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था? तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था? आपका पहला है ऑप्शन नाइजीरिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है आपका भूटान और चौथा है भारत। तो आंसर दे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान था? नाइजीरिया होगा, पाकिस्तान होगा, भूटान होगा कि भारत होगा? तो आपका जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इस बात को याद रखिएगा, और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, शायद फिर से पूछ लिया जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखे तो उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ये आपका DT+B में PGT 2018 में पूछा गया था। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? पहला, कच्ची मछली व मांस का टिक्का, कच्ची मछली या मांस का टिक्का। दूसरा है अंडे, तीसरा है दालें व भूरा चावल, चौथा है सभी, जितने हैं सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? यह आपका DT+B PGT 2018 में पूछा गया था। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, शायद पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछे गए हैं, चाहे नेट का हो, TGT का हो, PGT का, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरह देखिए, मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो कौन सा भोजन या भोजन का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो ये DT+B में पूछा गया था। ऑप्शन वन है कच्ची मछली व मांस का टिक्का, दूसरा है अंडे, तीसरा है दालें व भूरा चावल, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं जिनको पता है। तो इसका राइट आंसर है दालें व भूरा चावल। तो दालें व भूरा चावल भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा, दालें व भूरा चावल भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो इसका ये राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका PGT 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वह भोजन जो एक पोषकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है,
वह भोजन जो एक पोषकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका पीजीटी 2019 में। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है मृदुर भोजन, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण द्रव भोजन, तीसरा है स्पष्ट द्रव भोजन, चौथा है नियमित भोजन। वह भोजन जो एक पोषकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः विपरीत है वो कैसा भोजन है? मृदुर भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन या नियमित भोजन? तो वह भोजन जो एक पोषकीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है उसे हम स्पष्ट द्रव भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट द्रव भोजन। आगे जो वीडियो होगी मैं उसमें बताऊंगी मृदुर भोजन किसे कहते हैं, पूर्ण द्रव भोजन किसे कहते हैं, स्पष्ट द्रव भोजन किसे कहते हैं और नियमित भोजन किसे कहते हैं। इनको मैं अच्छी तरह से क्लियर करूंगी कि क्या क्या किस भोजन को क्या कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इन सबको अच्छी तरह से मैं बताने वाली हूँ आप लोग को, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाले हैं इसी से रिलेटिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। ये टीजीटी 2019 से पूछा था। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य पोषण। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन जो है किस रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन किस रूप में परिभाषित है ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या पोषण। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन आपका पोषण के रूप में परिभाषित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोषक तत्वों का अवशोषण अधिकांश या ज़्यादातर कहाँ होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण अधिकांश आपका कहाँ होता है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो क्वेश्चन है पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, बताइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत पेपर में क्वेश्चन आना पूछा जाता है, मैंने देखा है डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिएगा शायद पेपर में, क्योंकि टॉपिक यही है, शायद ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इससे अंदाज़ा मिलता है कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर और पेपर में पूछे गए हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण अधिकांश कहाँ होता है? मुँह में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर है आपका छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। आपको मैं बता देती हूँ कि क्या होता है, मुख व आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रहणी में। और भोजन जब ग्रहणी में पहुँचता है तो भोजन कायम के रूप में, भोजन किसके रूप में? कायम के रूप में। जब आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है, जब कायम के रूप में आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है तो जो ग्रहणी है उससे उसमें जो ज़्यादा जब पचा हुआ पदार्थ कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। देखिए जो छोटी आंत है वो कैसी होती है? छोटी आंत की स्लैश मीन्स झिल्ली की परत में असंख्य छोटी छोटी कैसी होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में भी क्या होता है, स्लैश मीन्स झिल्ली की परत में असंख्य छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से क्या निकलता है, पाचन क्रिया के समय एक
पाचक रस निकलता है जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, इम्पोर्टेंट है, जिसे आंतरिक रस कहते हैं, आंतरिक रस कहते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत की स्लैक्स में झिल्ली की परत में क्या होती हैं, छोटी छोटी असंख्य ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से पाचन क्रिया के समय एक में एक प्रकार का पाचक रस निकलता है, इस बात को लिख लीजिएगा, जिसे हम आंतरिक रस कहते हैं। और इस रस में तीन प्रकार के खमीर पाए जाते हैं, इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चों की नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, यह आपका क्वेश्चन PGT 2005 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है निद्रा, दूसरा व्यायाम, तीसरा है आपका पोषण, चौथा है स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा है, निद्रा, व्यायाम, पोषण या स्वच्छता। तो सबको आंसर पता है, इसका राइट आंसर होगा पोषण, क्योंकि जो बच्चा होता है उसे वयस्क की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व वाला भोजन चाहिए होता है, क्योंकि उसी समय उसका विकास और वृद्धि हो रही होती है। तो शरीर में निर्माणक तत्व वाले ऐसे पोषण की आवश्यकता होती है जो शरीर में अच्छा निर्माण कर सके, उसका वृद्धि अच्छी तरह हो सके, विकास हो सके, और वयस्क की अपेक्षा जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है उनके शरीर का उचित विकास के लिए, वो अधिक होती है। तो बच्चों को अधिक अच्छा विकास के लिए और वृद्धि के लिए पर्याप्त पोषण वाला भोजन जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छे पोषक तत्वों से उनकी वृद्धि विकास तो होता ही अच्छा, साथ में उन्हें बीमारियां जल्दी नहीं लगती और उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसका अच्छी तरह विकास होता है। तो बच्चों के शारीरिक विकास के में सबसे महत्वपूर्ण कारक निद्रा, व्यायाम, पोषण में और स्वच्छता में, तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, पोषण। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो इसी की मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ और हर चीज़ आपको क्लियर करती चलूँगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका एक टॉपिक ही है भोजन, कि उसमें कि कैसा भोजन किसको देना चाहिए भोजन के प्रकार में, तो मैं आपको बताऊंगी कि मृदु भोजन किसे कहते हैं, पूर्ण द्रव भोजन किसे कहते हैं, स्पष्ट द्रव भोजन किसे कहते हैं और नियमित भोजन किसे कहते हैं। तो सबके बारे में डिटेल में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।